तो यहाँ हम जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो टेबल क्रिएट करते समय हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो पीआईडी है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, हमारे प्रोडक्ट वाले टेबल में है। तो ये प्रोडक्ट वाले इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट वाले टेबल में है, वो हम यहां लाना चाहते हैं कैसे, ठीक है? क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे सेल्स का एक टेबल दिखा रहा है, प्रोडक्ट का टेबल भी नहीं दिखा रहा, ठीक है? और यहां पर आते हैं तो क्या इसमें, अगर हम टेक्स्ट पे आते हैं, प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम, इस पे प्रोग्राम को लोग आते हैं, इन चूज है, आई एफ है, मैथ है आपका, इंसेप्शन है, ये आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, टोटल है, इन कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन में आपका कहीं भी ऐसा डी लुकअप वगैरह नहीं है, या फिर रिलेटेड होता है डी लुकअप होता है, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं है, दिख रहा है सर? तो ऐसा क्यों है, नहीं क्यों नहीं तो फॉर्मूला काम करे? अगर आप इसी चीज को, अगर हम फॉर्म पे जाए तो फॉर्म पे मिला हुआ है, फॉर्म पे अगर एक नंबर वन टाइप करके एंटर मारे तो नेक्स्ट वाले सेल में उसका पूरा नेम मुझे लुकअप, वी लुकअप की तरह लुकअप कर देगा। पर टेबल में क्यों नहीं है? टेबल में इसलिए नहीं है, इट्स दैट कॉल्ड डेटा सिंपलाइजेशन। अब डेटा सिंपलाइजेशन क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, पहले थोड़ी सी थ्योरी भी कर लेते हैं क्या सर। डेटा सिंपलाइजेशन, अब मान लीजिए कि मेरे पास, आप जब बैंक में, बैंक की सिस्टम को समझते हैं एक बार, ठीक है सर? तो बैंक के सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले एक बंदा विजिट करता है, अकाउंट ओपन करता है, राइट? क्या सर? अकाउंट ओपन करने के बाद वो जब भी पैसा जमाएगा, जमा करेगा, तो उसकी एक ट्रांजेक्शन अमाउंट, एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होगा, ठीक है? अब वो चेकबुक निकालता है तो चेकबुक आईडी जनरेट होगा, एटीएम कार्ड निकालता है तो एटीएम कार्ड आईडी जनरेट होगा, कई सारे आईडी मिल जाते हैं उसको, और कई सारा डेटाबेस होता है। तो क्या लग रहा है कि हर जगह कस्टमर की इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा तो कितना बड़ा डेटा लोड हो जाएगा? जैसे मान लीजिए आप जो है, आपके पास 10 रजिस्टर है, ठीक है, या 5 रजिस्टर मान लीजिए, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, रजिस्टर 5। अब मान लीजिए रजिस्टर 1 आपकी कस्टमर इंफॉर्मेशन की है, हर एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, आपने हर कस्टमर को एक कस्टमर आईडी यूनिक दे रखा है, ठीक है? अब आपका रजिस्टर 2 है, रजिस्टर 2 में जस्ट आप बंदे को इन एंड आउट करते हो, क्या करते हो कि कौन बंदा आया, कितना बजे और कितना बजे गया। अब रजिस्टर 1 में मान लीजिए 16 कॉलम का डेटा है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, आपकी कस्टमर इन्फॉर्मेशन की। अब रजिस्टर 2 के अंदर क्या वो 16 इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे आप? क्या बोले सर? बोला नहीं करूंगा सर, मैं तो सोचूंगा कि उसी का टाइप के वजह में आ जाए। जी हाँ, तो आप रजिस्टर 2 में क्या करोगे, कस्टमर की आईडी, बहुत हुआ तो वेरिफिकेशन के लिए नेम और एड्रेस ले लोगे, और ताकि आईडी नंबर सही है गलत है चेक करने के लिए, और आप जो इन और आउट है उसके अंदर डाल दोगे। अब रजिस्टर 3 है, अब रजिस्टर 3 जो है वो ये है आपका, रजिस्टर 3 आपका ये है कि किनको कॉल करके बुलाना है उनका लिस्ट है। अब वो रजिस्टर 3 में भी पूरी की पूरी तो नहीं डालोगे ना सर इंफॉर्मेशन? तो नहीं कहने का मतलब है कि मान लीजिए सेल्स टेबल नहीं में, सेल्स टेबल के अंदर में अगर 500 बार मुझे अगर एक आईडी को लिखना है, तो अगर मैं आईडी का पूरा इन्फॉर्मेशन, मतलब मान लीजिए प्रोडक्ट आईडी डालना है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो 4 कॉलम की है, वो 4 500 बार 400 कॉलम बढ़ जाएंगे ना, 4 कॉलम बढ़ जाएंगे, मतलब 2000 सेल्स की एंट्री बढ़ जाएगी, क्या सर? हाँ तो यहाँ पे क्या होता हाँ है कि हम यहाँ बढ़िया। पे जस्ट प्रोडक्ट का नेम हम रखेंगे, क्या रखेंगे, प्रोडक्ट का नेम, समझे, प्रोडक्ट का नेम रखेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके चली आए, क्यों हो गया चली आएगी, कैलकुलेट, ठीक है? तो आप प्रोडक्ट नेम जो है हम टाइप नहीं करेंगे, यहां पे कैलकुलेट होके आएगी प्रोडक्ट के एसी से, ठीक है? अच्छा लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रोडक्ट का एमआरपी बढ़ते घटते रहता है, तो यहां पे हम टेक्स्ट देते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट, प्रोडक्ट नहीं,
अब इसकी जो फॉर्म बनाऊंगा सर, उस फॉर्म में आपको पता चलेगा कि क्या है मजा। उसके बाद यहाँ पे कहाँ गया, हाँ लोना। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ पे उसकी ये आ गया, साइज नेम आ जाएगी, साइज आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, एमआरपी आ जाएगी, ये सारे चीजें इस टेबल जुड़ के चली जाएगी। चलिए तो यहाँ पे साइज, ये भी हमारा टेक्स्ट होगा, शॉर्ट टेक्स्ट, तो प्रोडक्ट साइज। फिर आएगा आपका वहां पे एमआरपी, एमआरपी, एमआरपी में नंबर होगा, और कहां से आएगा प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस, और यहां पे आपका आएगी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जो है हमारा, क्वांटिटी ये हमारा नंबर होगा, और काउंट, CONT, काउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां जो आएगी क्वांटिटी में, यहां जो आएगी क्वांटिटी में, हम चाहते हैं कि नंबर जो है सिर्फ नंबर में आए, प्रोडक्ट जो है किसमें आए, नंबर में आए, डेसिमल में, नंबर का मतलब कि डेसिमल में ना आए। बोले जैसे नंबर में तो नंबर टाइप कर दिया है, तो हम बोले डेसिमल में नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका यहाँ लॉन्ग इंटीजर है ना सर, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस ऑटो, तो यहाँ पे जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर सही है, और यहाँ टू मार्क्स वैलिडेशन रूल्स, क्वांटिटी माइनस इंट क्वांटिटी, इक्वल जीरो, समझे सर, क्वांटिटी क्या बोले, हमने क्या किया, का इंट का मतलब फॉर्मूला क्या करता है, डेसिमल में क्या करता है, डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अगर आपने 0.5 कर दिया, 1.5 कर दिया, तो उसको 1 कर देगा, ठीक है ना। तो हमने बोला कि क्वांटिटी में से इंट क्वांटिटी को माइनस करो, मतलब कि विथ डेसिमल में से विदाउट डेसिमल को माइनस करो, उसका रिजल्ट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब कि अगर ये नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, तो क्या होगा, 0.5 आपने किया, वो अगर 2 करोगे तो 2 - 2 इक्वल टू 0, अगर 2.5 - 2 नहीं होगा तो तो क्या फिर होगा, 0.5 होगा ना रिजल्ट, हाँ क्या हाँ बोले हाँ सर, सर, समझे हाँ कि नहीं सर, सर। तो समझ गया समझ गया। ये चीज हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि एंटर ओनली नंबर्स, तो क्वांटिटी हमने यहाँ पे दे दिया। क्वांटिटी के बाद यहाँ पे आता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे डबल डेसिमल हो ना, सॉरी नंबर, नंबर एंटर, डिस्काउंट यहां पे क्या होगा कि अब इसमें भी डिस्काउंट में मुझे लॉन्ग इंटीजर नहीं लेना होगा, क्या लेना होगा, लेना होगा मुझे डबल, ठीक है ना। और डबल में ये जो फॉर्मेट आ रहा है इसमें परसेंटेज शो करना पड़ेगा, क्या शो करना पड़ेगा, परसेंटेज, समझे सर। इसमें भी हाँ वैलिडेशन रूल्स अगर देना चाहे तो रूल्स दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट के बाद आता है सेलिंग प्राइस, क्या हो गया सेलिंग प्राइस, तो यहां पे हम करते हैं एस प्राइस।
तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस यहां पे पहले तक कैलकुलेटेड होगा, ठीक है? तो कैलकुलेटर में क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी माइनस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, समझे? ठीक तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, ठीक है? ये हो गई हमारा रेट, इसमें से डिस्काउंट माइनस करना है। तो डिस्काउंट के लिए क्या लगाएंगे यहां पे? माइनस माइनस अगेन ब्रैकेट में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, तो ये यहां पे गड़बड़ हो गई है। हाँ, इसको क्लोज करना होगा और इसको क्लोज करना होगा। ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में DIS%, ठीक है? और इसको भी इस पूरे को फिर वापस देना पड़ेगा ब्रैकेट में। हाँ, याद है कैलकुलेटेड में जीरो का, सॉरी, कैलकुलेटेड में इक्वल नहीं लगता है। कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन में क्या नहीं लगता है? इक्वल नहीं लगता है, समझे? तो तो ये देखिए, टेबल जो बना रहे हैं इसमें आप कितने सारी चीजें सीख रहे हैं ना सर। आपको अब शुरुआत में लगा होगा कि सर क्या टेबल बनाना सिखा लेंगे, कितने सारी चीजें सीख रहे हैं आप, कैलकुलेशन वगैरह करने का, कई सारे फॉर्मूले का, डेरिवेशन सीख रहे हैं ना सर। पता है डीपी यहाँ पे नंबर में होगा, यहाँ होगा एंटर डाउन DOW, एंटर DOW एंड डाउन सर वो ठीक है, जो मैन सर सर इसके डबल। पहले जो हमने फॉर्मूला लगाया था हाँ, उसको सर आप एक चीज बोलिए थोड़ा, उसको मतलब पढ़ेंगे कैसे कंप्यूटर की भाषा में? यार आ रहे सर, देखिए रहा। हमने एक सिंपल सा मैथमेटिकल, हमने क्वान बिजली क्या है कि हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो मान लीजिए कि हमने 50 रुपए के हिसाब से 2 पीस लिए हैं, तो पहले हम 50 रुपए के हिसाब से 2 पीस का रेट निकालेंगे जो कि 1100 हुआ, और फिर मुझे 100 माइनस करना है 100 का 10%, कि 10% डिस्काउंट है। तो मैंने यही किया, तो हमने क्या किया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी, ये हो गई हमारी अमाउंट, फिर माइनस क्वांटिटी मल्टीप्लाई एमआरपी अच्छा, का डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है सर? इस टोटल को हाँ बताना है ना? ठीक है हाँ सर। ठीक है, मैं 2 बार करने वाले, 2 बार करने पर डिस्काउंट अलग से अगर क्योंकि मैंने यहीं पे लेगा कहीं पे तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट नहीं ना किया है। फिर टोटल अगर मैंने टोटल के लिए फील्ड कैलकुलेट करा था कि टोटल कितना हुआ, तो एमआरपी मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, तब मैं ऐसा कर सकता था, पर टोटल के लिए भी फील्ड में कैलकुलेट नहीं कर रखा है, ठीक है? ठीक है ठीक समझे कि नहीं? फिर आता है डाउन पेमेंट। हाँ सर। डाउन पेमेंट के बाद आता है फाइल चार्ज, जो कि 2% है। यहाँ पे हम करेंगे नंबर, ये भी नंबर ही होगा, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी, और यहाँ पे नहीं, ये नंबर नहीं होगा सर, ये कैलकुलेटर होगा। क्या होगा? कैलकुलेट, क्योंकि मुझे पता है ना कि प्रोसेसिंग फी क्या है। तो प्रोसेसिंग होगा हमारा डीपी का डाउन पर, नहीं सर, एस प्राइस का, एस अंडरस्कोर प्राइस, प्राइस हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2%, ठीक है?
एन एन ओके, ये क्या हो गया यहाँ पे पैकेट में, एस अंडरस्कोर प्राइस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 2%। ओके हाँ, 2% परसेंट का सिंबल नहीं लेता है, 0.02। ठीक है सर, उसके बाद आता है लोन। तो लोन क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस डीपी प्लस फाइन चार्ज, ये है ना सर, क्या सर? अब इसमें हमें दिक्कत हो रही है तो एक बार इसको सेव कर देते, क्या करते हैं सेव, सेव करने के बाद फिर वापस इसको हम डिजाइन में जाएंगे, क्यों, तब फिर सारे फील्ड जो है ना ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा है, वो है हमारा लोन। तो लोन ये रहा हमारा, लोन में यहाँ पे कैलकुलेटेड हो जाएगा, कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड में यहाँ हम लिखेंगे हमारा एस प्राइस, एस प्राइस माइनस डीपी प्लस एफ चार्ज। ठीक है सर, ये क्या हो गया, लोन अमाउंट हो गया, हाँ सही, हाँ सही। लोन अमाउंट। उसके बाद अगला हमारा आता है रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा रेट आ गया। रेट में हम नंबर देंगे और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां लॉन्ग इंटीजर से क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर लॉन्ग सर इंटीजर की जगह पे, नंबर नंबर क्या करेंगे सर, डबल डबल लगेंगे डेसिमल या डबल, सर, डबल करेंगे। क्योंकि डेसिमल होता है ना, और इसमें हम फॉर्म, इसमें फॉर्मेट क्या करेंगे, परसेंटेज। ठीक है हाँ, अब रेट के बाद अगला आता है ऑप्शन टाइम का। तो टाइम, और टाइम जो होगा ये हमारा नंबर में होगा, और ड्यूरेशन इन मंथ, और मेरा जो लोन जो है 36 महीने से ज्यादा का नहीं होता है। ठीक है सर, तो यहाँ ये हमारा इसको हम कर देंगे हटा के, ये लॉन्ग इंटीजर हटा देंगे, क्योंकि लॉन्ग इंटीजर की जरूरत नहीं है ना सर, अब 22 सौ नहीं पचपन नहीं होगा, क्या होगा माउस के बाइट, और फॉर्मेट में रहने दीजिए, फॉर्मेट में कुछ खास चेंज नहीं करना है, बस इसकी वैलिडेशन लगाना है, क्या लगाना है, वैलिडेशन। तो वैलिडेशन रूल्स में हमें देना है कि टाइम इज लेस देन इक्वल टू 36, नहीं हुआ तो यहां लिखो प्लीज एंटर मंथ इन बिलो बिलो 36। ठीक है सर, कैप्शन अच्छा में एंटर मंथ एंटर टाइम इन मंथ। अब यहां पे बढ़ते हैं, टाइम के बाद अगला ऑप्शन आता है ईएमआई। अब यहां ईएमआई जो है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, तो ईएमआई क्या होगा, ईएमआई होगा लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड ऑफ, समझे सर, हाँ तो ईएमआई। तो ई एम आई की जगह पे ई एम आई से पहले ये करते हैं,
फाइनल फाइनल लोन। में नंबर होगा और यहां पे होगा लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पे नंबर नहीं होगा, यहां पे होगा कैलकुलेट, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है ना इसको। तो लोन अमाउंट क्या होगा हमारा, तो लोन अमाउंट होगा लोन लोन मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है सर, तो हाँ ला सर, अब इनको करना है ब्रैकेट में। ये तो इंटरेस्ट निकालेगा ना सिंपल, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। तो इंटरेस्ट निकल गया, अब इस इंटरेस्ट में प्लस हो जाएगा हमारा कौन सा, प्लस हो जाएगा लोन। ठीक है, ये आ गए हमारे लोन अमाउंट। अब लोन बनाने के बाद हम बात करेंगे ईएमआई। ईएमआई। अब ईएमआई में क्या होगा, ये भी कैलकुलेटेड होगा। कैलकुलेटर में क्या होगा, ये होगा हमारा फाइनल फाइनल लोन स्कोर, लोन फाइनल लोन डिवाइड बाय टाइम। और इसको हमें लगाना राउंड के फॉर्मूले में, किसके फॉर्मूले में, राउंड राउंड यहाँ पे कॉमा जीरो, क्योंकि डेसिमल में होगा ना सर, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आएगा ना सर, इसलिए हमने सर राउंड कर दिया जीरो से। और यहां हमने डाल दिया ईएमआई। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा ड्यू डेट आता है। क्या आता है, ड्यू डेट, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट में सिंपल से इसे भी कैलकुलेटेड करना है, लेकिन इसमें हमें डे का फॉर्मूला लगाना है, डे, और डे के फॉर्मूला में डेट। क्या डेट का पी डेट है क्या, उदय नहीं कर सी डेट, नहीं एल डेट है। डेट के लिए क्या रखा मैंने सर, डेट का दो डेट ही है क्या, नहीं डेट सीरियल है, एक मिनट, एस डेट है, सेलिंग डेट, ठीक कह रहा हूँ, दो डे अंडरस्कोर ब्रेक ब्रैकेट में एस, हाँ इधर एस डेट, तो इसका डे निकल जाएगा प्लस वन। तो एक दिन बाद जो जिस दिन परचेज करें, 8 तारीख का परचेज किया तो 9 तारीख की इसकी ड्यू डेट है, अगले महीने की 9 तारीख। ठीक है, तो फाइनली हमारे टेबल कैलकुलेट बन गया। हम चीजों के एक बार जांच कर लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में, जैसे कि यहाँ पे डेट हमारा आ जाएगा। तो ये चीज सब कुछ है। अब जैसे प्रोडक्ट नेम साइज वगैरह, तो फॉर्म भरते समय, फॉर्म जब भरेंगे उस समय ये सारी चीजें, ये जो चीज आ रही है प्रोडक्ट का नेम साइज एमआई, ये सारा ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्ट शीट से चला आएगा। ठीक है ना, क्वांटिटी डालेंगे, डिस्काउंट परसेंट डालेंगे, तो बाकी जो कैलकुलेटेड अमाउंट जो दिख रहा है आपका सेलिंग प्राइस वगैरह, ये अपने आप कैलकुलेट होके चला आएगा। ठीक है सर, ठीक अब इसमें बाकी जो आता है ये तो एक कैलकुलेशन है, तो ये ईएमआई शीट बनेगी उसके बाद ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा इसकी जो फॉर्म बना लेंगे, फिर हम ईएमआई शीट बनाएंगे, फिर ईएमआई की फॉर्म बनाएंगे। तो यहां पे आपका टेबल खत्म होता है, अब हम बात करेंगे फॉर्म की कल की क्लास से।